हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 3 रुपए की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में अराउंड 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 1 महीने के अंदर से स्टॉक में 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 3 महीने के अंदर इस स्टॉक में 42% की तेजी देखने को मिली और 6 महीने के अंदर 48% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 95 रुपीज। 95 रुपीज के स्टॉक में एक हाई था जिसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और यहां से स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक में एक लाइफ टाइम हाई बनता हुआ नजर आया 120 रुपीज। 120 रुपीज के स्टॉक में एक लाइफ टाइम हाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आज के दिन देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के दिन का जो एक ओपनिंग है अराउंड वहीं पर आप एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 108 रुपीज। 108 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 135 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।